अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एसटीएफ ने दो आरोपी पकड़े हैं, जिसमें अवैध मादक पदार्थ स्मैक परिवहन करने वाली एक महिला को उज्जैन से ही पकड़ा गया है। इनसे 200 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ विपिन माहेश्वरी द्वारा एसटीएफ इकाइयों को संगठित अपराध, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, स्थायी वारंटियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक एसटीएफ भोपाल नवीन चौधरी के मार्गदर्शन में टीम गठित कर रवाना की गई। एसटीएफ टीम को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवास गेट बस स्टैंड उज्जैन पर एक महिला स्मैक बेचने की फिराक में आने वाली है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन में एसटीएफ उज्जैन प्रभारी दीपिका शिंदे के नेतृत्व में एसटीएफ उज्जैन एवं एसटीएफ भोपाल की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के अनुसार महिला की तलाश कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। महिला के पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद कर जब्त की गई, जिसे महिला ने अपने बालों के जूड़े में कपड़े की थैली में छुपाकर रखा हुआ था। आरोपी कांताबाई पति स्वर्गीय श्याम महेश्वर, उम्र 50 वर्ष, निवासी 104/2 आनंद भवन गुदरी चौराहा सत्युग होटल के सामने उज्जैन को गिरफ्तार कर थाना एसटीएफ भोपाल पर अपराध क्रमांक 178/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उक्त मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले जुझार सिंह मालवीय पिता स्वर्गीय परस राम मालवीय उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम मऊआ जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 30/12/2020 को एसटीएफ इकाई भोपाल को एक सूचना प्राप्त हुई थी स्मैक बेचने के संबंध में, तो एसटीएफ इकाई भोपाल व उज्जैन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक महिला को स्मैक बेचने के फिराक में गिरफ्तार किया है। उक्त महिला कांताबाई नावा के जूड़े के कपड़े में 200 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। थाना एसटीएफ भोपाल में अपराध क्रमांक 178/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। इसी कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ प्रदान करने वाले जुझार सिंह पिता परसमल मालवी को भी, निवासी मंदसौर को भी गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में विधिवत विवेचना की जाएगी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।